देश के लोगों से आज आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो भी लोग घरों में बैठे हैं और हमारे इस आंदोलन से उनकी हमदर्दी है, वो इस आंदोलन में नहीं आ सकते हैं ना आए कोई बात नहीं, वो इस आंदोलन में किसी और तरह का सहयोग नहीं दे सकते, कोई चिंता नहीं है, मत दो। एक काम करो, सिर्फ एक काम, स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी है रिलायंस का तेल डलाना बंद कर दो। अगर आपके पास में कोई भी सामान आपको लेने जाना है, रिलायंस के जितने भी डिजिटल स्टोर हैं, स्मार्ट स्टोर है, जो भी है, मान लो ये है ही नहीं इस देश में, हम जानते ही नहीं, कुछ भी हो जाए हम इनसे एक भी सामान नहीं खरीदेंगे, जंग है। इसलिए जंग में मौज मस्तियां नहीं होती, जंग में लड़ाई होती है, लड़ाई कैसे जीती जाए इसकी सारी रणनीति बनाई जाती है और हमें वो रणनीति बनानी है। मैं एक चीज आपके सामने रखूंगा, ये दो लोग मैंने बताए, अंबानी और अडानी, इनके जितने भी हैं आप जानते हैं प्रोडक्ट, साथ में जियो, जियो जो है आप जानते हैं ये बहुत बड़ी साजिश है। इस जियो के लिए प्रधानमंत्री खुद प्रचार करते हैं, आपको देखने से नहीं लगता कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री 130 करोड़ आबादी का और एक बिजनेसमैन उसके कंधे पे यूं हाथ रख के चलता है, यूं हाथ रख के चलता है। अरे डूब का मर जाना चाहिए कि एक बिजनेसमैन की इतनी औकात के भारत के प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है, तो इससे पता लग जाती है कि तुम्हारा याराना कितना बढ़िया है उससे और क्या तुम देश को करना चाहते हो। इसलिए इनका बहिष्कार करना है, मीडिया का बहिष्कार पूरी तरह से करना है। हमारी जेब से पैसे जाते हैं, वो जो महीने का हम रिचार्ज कराते हैं टेलीविजन, वो हमारे पैसे हैं, हमारे बच्चों के पैसे हैं, और उसी टेलीविजन के माध्यम से मोदी का प्रचार होता है, बीजेपी का प्रचार होता है, अंबानी और अडानी और इस देश को बर्बाद करने का प्रचार होता है। तो कम से कम वो प्रचार हमारे घरों तक ना पहुंचे, वो प्रचार हमारे घरों में पहुंच के हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को बर्बाद ना करे, उनके दिमाग को दूसरी तरफ ना ले जाए, ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना। अगर हमने अपने टीवी ही रिचार्ज कराने बंद कर दीजिए, आप मान लीजिए कई हजार करोड़ का नुकसान अंबानी और अडानी को हो जाएगा, क्योंकि इस देश के आज की तारीख में 60% जो न्यूज चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनमें अंबानी का पैसा लगा हुआ है। आप इस बात को समझिए, केवल देखना वो मामूली बात नहीं है, अंबानी का पैसा है और वो इस देश को बर्बाद करने वाला एक व्यक्ति है, उसको रोकना है हमें। ये जो अभी प्रस्ताव आए, जो सरकार ने भेजे 20 पेज के, इस प्रस्ताव में आपने देखा है जो शुरू में है, जो हेडिंग है, मेरे वकील साथी हैं वो इस बात को समझेंगे, उसमें केवल दो कानूनों का जिक्र है, जो एक तो एग्रीमेंट वाला कानून है और दूसरा जो मंदी वाला कानून है, बस केवल इनका जिक्र है। उसमें कहीं भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसका कोई जिक्र नहीं है। सरकार समझौता भेज रही है, सरकार कह रही है, दुनिया को बता रही है मीडिया के माध्यम से कि हम लोग समझौता करने को तैयार है और इनकी मांगे मानने को तैयार है, इसमें संशोधन चाहते हैं। हालांकि हम संशोधन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। फिर भी जो आप समझौते के लिए जो भेज रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं, उसमें तो आपकी नियत साफ होनी चाहिए, उसमें तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसमें रखा ही नहीं है और हम तीनों कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से आप थोड़ा समझे, केवल आप नहीं, इस देश के जितने भी लोग हैं, अकेला वही कानून जो संशोधन सरकार ने किया है, इस देश को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है, केवल वही कानून, और आपने उसी को इसमें रखा नहीं, और उसका असर हमारे अलावा, किसान के अलावा और जनता पर कितना पड़ेगा, इसको आप एक मिनट में समझाता हूं। अगर जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, इनको अगर कितना भी स्टॉक करने की आपने छूट दे दी है कि जितना चाहे माल आप खरीद लें और उसका स्टॉक कर लें, इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में सरकार के खरीदने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी सरकार कह चुकी है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, तो सरकार कुछ नहीं खरीदेगी। अगर सरकार कुछ नहीं खरीदेगी तो देश में जो लाखों राशन की दुकानें हैं, जिन पर गरीबों को राशन मिलता है,
वहां के लिए राशन कहां से लेके आओगे आप? सारा सामान सारा माल अगर पूंजीपति व्यापारी उद्योगपति ही अपने गोदामों में भर लेगा और आने वाले समय में वो 4 गुना 5 गुना दाम पर बेचेगा, तो गरीबों को जिनको राशन का सामान मिलता है वो कहां से रोटी खाएंगे? वो लोग हैं जो हमारे पैसे से अमीर बनके आज हम ही को गुलाम बनाने की सारी साजिशें रच रहे हैं। इसलिए हम किसी हालत में इनका सामान नहीं खरीदेंगे। अडानी, अडानी का फॉर्च्यून तेल डालते ना, फॉर्च्यून तेल, जिसमें सोयाबीन का भी तेल है, सरसों का भी तेल है, जिसमें आपका और जो तरह के तिलहन है वो भी तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सारे के सारे अडानी के जितने प्रोडक्ट हैं, जो सिंगापुर की एक कंपनी के साथ में इन्होंने समझौता करके इस देश में बेच रहे हैं, एक भी व्यक्ति इनके स्टोर से वो फॉर्च्यून का तेल खरीदने नहीं जाए। जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा सबसे ये निवेदन है, ये तो कर ही सकते हो ना, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप यहां आओ, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप हमें और कोई सहयोग दो, लेकिन अरे तेल खरीदना तो सरसों का खरीद लो भाई, फॉर्च्यून का मत खरीदो आप। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी और एक चीज और समझनी पड़ेगी। सर आप बैठ जाओ, मैं 10 मिनट तो लूंगा। सर आप बैठ जाओ सर, थोड़ी देर सर, पुरानी वही ना सर, मैं 10 मिनट लूंगा, कुछ कानूनी दाव पेच भी समझाने हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मैं CANRC के आंदोलन में था, मैंने लोगों को हर वो बात समझाने की कोशिश की कि अगर किसी से भी कोई पत्रकार पूछे, क्योंकि यहाँ पे गोदी मीडिया के पत्रकार है ना, वो आके पूछते हैं बता भाई इस आंदोलन में क्या है, जानते हो आप ये क्या कानून है, तो आप में से हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए ये कानून ये है, इन कानूनों में ये गड़बड़ी है, ये देश का बेड़ा गर्क किस तरह से करेंगे, इसलिए हम नहीं मानते इन कानून को, तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। ਭਰਾਵੋ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕੋ ਭਾਰਤ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨਾਭੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖਿਓ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੌਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪਚ ਜੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰ ਤੋਂ ਸਾਗ ਚ ਆਲਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਲ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ 200 ਗੁਣੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਣੇ ਨਹੀਂ 200 ਗੁਣੇ ਮੁਨਾਫਾ 70.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਏ ਲੋਕੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਆਹ ਆਟਾ ਸੋਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ